टू मम्मी फ्रॉम अगस्त्या। हेल्दी खाके एवरी डे बच्चे हो गए बोर। टेस्टी यमी चीजी का मच रहा है शोर। अच्छा बच्चू ओके तो मम्मी कहती है लेते हैं हेल्दी से ब्रेक, हो जाए आज इंडल्जेंस, दबा के खाओ भरपेट। आप समझ ही गए होंगे, दिस वॉज अ नोट फ्रॉम माई सन। एंड जो मैंने अभी कहा वो मैं हमेशा ही कहती हूँ, लेकिन हमेशा ही चीट करती हूँ अपने बच्चे को। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वेलकम टू मामी का मैजिक। मैं हूं अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में, जहां हमेशा हम करते हैं थोड़ी चीटिंग, लेकिन अपने बच्चों के भले के लिए। आफ्टर ऑल अगर हम नहीं सोचेंगे उनके हेल्थ के बारे तो क्या बच्चे सोचेंगे। तो चलिए कुछ ऐसा ही आज भी करेंगे। आज हम बनाएंगे कुछ इवनिंग स्नैक्स, यमी स्नैक्स, इंडल्जेंट स्नैक्स, एक्सेप्ट चिल्ड्रन वोंट नो कि उसमें हेल्थ का डोज भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार एंड बच्चों के फेवरेट डिश के साथ, टोमेटो नाचोस। भाई किस बच्चे को चिप्स नहीं पसंद है, जहां जाओ चिप्स की डिमांड हो जाती है। अब बाजार के चिप्स हमेशा खरीदने से अच्छा ये होता है कि आप क्यों ना उसे घर पे ही बनाए। नाचोस तो बहुत ही आसान होता है बनाना, समाओ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत टफ होगा, बट ऐसा नहीं है। दिखाती हूँ मैं आपको कि कितनी आसानी से आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। आप लीजिए एक कप मैदा एक बड़े बोल में और एक कप मक्की का आटा यानी कि कॉर्न मील। तो हेल्दी एंगल आ गया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कुछ भी घर में बनाएं अपने हाथों की सफाई के साथ वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाता है। तो अब टोमेटोज जो फुल ऑफ विटामिन सी है, फ्रेश टोमेटो प्यूरी हमने इसमें डाला है। अब हम थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे एंड फिर थोड़ा सा और पानी, और उसकी मदद से हम डो तैयार कर लेंगे। अब अपने हाथ इस्तेमाल करेंगे बिकॉज डो बनाने के लिए तो भाई हाथों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर इसमें मैं बीटरूट डाल रही होती ना तो मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना था। इनफैक्ट आई थिंक मैंने आपको एक दिखाया भी है डो, जब बीटरूट या कोई भी कलरफुल चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ जिससे हाथ खराब हो सकते हैं, वो काम मैं अपनी मम्मी को दे देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक प्यारा सा डो तैयार कर लिया है, नाचोस का डो। अब इसे हम करीब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक रेस्टेड डो तैयार है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। और यहाँ मेरे पास तेल पड़ा है और अब हम लेंगे ये डो और इसे बेल देंगे। हम हल्का सा तेल ले लेंगे जस्ट टू मेक इट अ लिटिल सॉफ्टर एक बेलन की मदद से। चलिए इसे रोल आउट कर लेते हैं। ये देखिए अब नाइस एंड थिन हो गया है। अब एक फोक के हेल्प से इसमें हम इस तरह से छेद कर देंगे बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि जब ये फ्राई हो तो राइज करे, पफ अप करे, राइट। अब एक पिज्जा कटर की हेल्प से हम पहले इसके साइड्स क्लीन कर देंगे। अब चलिए अब ऐसे हमने काट दिया है, अब इसके हम ट्रायंगल शेप्स बना लेंगे। ओके लवली, अब इसी तरह मैं बाकी के भी शेप्स क्रिएट कर लेती हूँ। इन्हें हम निकाल के फ्राई कर लेते हैं। चलिए डालना शुरू करते हैं। लवली ब्यूटीफुल कलर आ गया है। एक आध नाचोस जैसा कि आप देख रहे हैं पफ हो गए हैं क्योंकि जो हमने फोक से उसे प्रेस किया था वो अच्छे से नहीं हुआ होगा उसमें। ओके प्यारा सा कलर आ गया है। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, जब आप इसे फ्राई करने के लिए डालें तो इंश्योर कि आप इन्हें डॉक करके फिर डालें, यानी कि फोक से आप इस पर छेद कर दें, वरना
ये नाचोस पफ अप हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इसी तरह और भी नाचोस मैं बना लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी मेरा स्पाइस मिक्स जो पड़ता है नाचोस के ऊपर, एंड दैट हैज टू बी डन एंड अप्लाइड जब वो गर्म है। तो उसके लिए हमें चाहिए सिट्रिक एसिड, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, रेड चिली पाउडर जिसके लिए मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि कुटी हुई काली मिर्च, सम अनियन पाउडर एंड फाइनली सम सॉल्ट। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप, और फिर ये जो नाचोज आपने गरम गरम निकाले हैं तेल से, उसके ऊपर हम इसे स्प्रिंकल कर देंगे। अब क्योंकि ये गर्मा गर्म है, इस पे तेल है, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा ये पूरा स्पाइस मिक्स। ओके, अब इसे थोड़ा टॉस कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अब इसे आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चीज़ सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। हमारे घरों में तो वाइट सॉस विद चीज़ बनता ही है, राइट? तो अगली बार जब आप पिकनिक्स के लिए जाएं या फिर अपने बच्चों को लेके कहीं दूर जा रहे हों, इंस्टेड ऑफ बाइंग द रेडीमेड पैकेट्स ऑफ चिप्स, इसे घर में बना के रखिए ताकि आप इसे आराम से कैरी कर सकें। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, एंड ट्रस्ट मी, चिल्ड्रन जस्ट लव इट। तो चलिए फिलहाल मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप देख लीजिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप। टोमेटो नाचोस। एक बोल में मिलाएं मैदा और मकई का आटा, उसमें डालें टमाटर प्योरी और मिलाएं, फिर डालें नमक और काफी सारा पानी और गूंद कर एक सख्त लोई बना लें और 10 से 15 मिनट तक रख दें। एक कढ़ाई में काफी सारा तेल गरम करें। अब लोई को समान हिस्सों में बांटें, हर हिस्से पर थोड़ा तेल लगाएं और बेल कर एक पतली डिस्क बना लें। अब हर डिस्क को फोर्क से डॉक करें और किनारे काट कर एक पिज्जा कटर की मदद से त्रिकोण में काटें। फिर इन त्रिकोणों को गरम तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें और एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लें। स्पाइस मिक्स बनाने के लिए एक बोल में साथ में मिलाएं सिट्रिक एसिड पाउडर, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, अनियन पाउडर और नमक। अब बनाए हुए नाचोस पर छिड़के स्पाइस मिक्स और टॉस करें। इन्हें ऐसे ही या फिर चीज सॉस के साथ परोसें। वेज स्प्रिंग रोल्स।